the chords. Our chords are C minor. Pehla. C minor. C, D sharp or G. Agla chord G sharp, inverted bajayenge. Aur first two keys are same, C, D sharp and G sharp. Third chord is A sharp, which is also called B flat. Aur B flat jo hai, well, you know, A sharp ke ye, B flat ke ye. Iski keys hai D, F aur A sharp. ठीक है जी. चौथा कॉर्ड इसमें जो यूज होगा वो है जी माइनर. और जी माइनर की कीज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ वन की फ्रॉम बी फ्लैट. सो जी माइनर की कीज है डी, जी और ए शार्प. आपकी मर्जी, आप जी शार्प, जी माइनर आप चाहें तो यहां पे भी बजा सकते हैं. व्हाटएवर सूट्स यू, द कीज विल रिमेन सेम. जिस पोजीशन में आपकी कंफर्टेबल हो आपको, आप उसमें बजाइए. क्योंकि ऑटो कंपेनमेंट सेक्शन में मैंने पहले भी बताया कि डजंट मैटर कि आपकी कॉर्ड, एज लॉन्ग एज थ्री फिंगर कॉर्ड आप होल्ड कर रहे हैं करेक्ट, वो डजंट मैटर पोजीशन क्या है, इन्वर्टेड है या नहीं है. आई मीन इधर राइट पे बजाते हुए इट मैटर्स बिकॉज चेंजेस द साउंड, बट ऑटो कंपेनमेंट सेक्शन में ऑन मोस्ट कीबोर्ड्स इट डजंट मैटर रियली. सो लेट्स गो बैक. जी माइनर और एक कॉर्ड जो लास्ट आई वांट टू मेंशन इज डी शार्प, एज इन डी एज इन डॉग, राइट. और इसको आप ई फ्लैट भी कह सकते हैं. सो इसकी कीज है डी शार्प, जी और ए शार्प. ठीक है जी. सो नाउ कॉर्ड्स आर आउट ऑफ द वे, सो लेट्स गो टू द कॉर्ड्स एंड नोट्स सेक्शन वेयर यू नो आई'ल शो यू द कीज, which keys or how to, what the notes are for this song, and you know what chords to hold on the left hand side while playing those notes. So let's go to chords and notes. Okay, so chords and notes mein let's start off with the chords only first, kyunki jo maine aapko chords abhi bataye hain wo iska ek bada recognizable sa pattern hai. Song starts off with that aur wo isi tarah hai. Teen chords ka combination hai, C minor, G sharp aur B flat ka. Aur ab main aapko bajaunga tune to aapko yaad aa jayega, wo kuch is tarah bajta hai. तो ये तीन कॉर्ड्स हैं, सी माइनर, जी शार्प और बी फ्लैट. सो इस तरह बजेगा, सी माइनर, जी शार्प, बी फ्लैट, सी माइनर, जी शार्प, फिर सी माइनर, जी शार्प, बी फ्लैट. ठीक है, तो ये बड़ा रिकॉग्नाइजेबल सा पैटर्न है इस गाने की, ऑब्वियसली पहचान है. ये कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है शुरू में होता है. और फिर उसके बाद एक बड़ी रिकॉग्नाइजेबल सी ट्यून है ऑफ कोर्स, जो आप सबने सुनी हुई है, वो बेसिकली सी माइनर होल्ड करते हुए आप बजा सकते हैं उसको यहाँ पे. और वो इस तरह है कुछ. लेट्स डू इट स्लो. सो स्लो करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा ऑब्वियसली, अगर आपको नोट्स नहीं पता, अगर मुश्किल हो रही है फॉलो करने में. होपफुली दिस क्लियर इनफ. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग, उस पे चलते हैं एक्चुअल वर्ड्स पे. आई चेंज द साउंड, शुड आई चेंज द साउंड, नो लेट्स कीप द साउंड सेम. सो सी माइनर पे पहला फ्रेज आता है, दो पल का जीवन है. तो इस तरह सी माइनर होल्ड करते हुए जी शार्प पे जाएं, बी फ्लैट, बैक टू सी माइनर. अगर मैं बीट के साथ आपको बजा के दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा.
ये फर्स्ट पार्ट था और ये दो दफ़ा रिपीट होता है, हर लम्हा एक सपना है जाने ना हो अपना हो ना हो। उसके बाद ये गाना, इसके बीच में एक गिटार की लीड गिटार आता है, वो कुछ इस तरह होता है, सी माइनर होल्ड करते हुए ही यहाँ से, let me turn off other sounds. ठीक है जी, सो दोबारा फिर रिपीट होता है, और इसके बाद एक और लीड आता है, वो डिफरेंट, वो इस तरह होता है। सो ये पिच बैंड आपके कीबोर्ड पर, तो इसको होल्ड करके इफेक्ट्स के साथ ऐसे गिटार का जो आता है बीच में, तो होपफुली ये दो आपको बीच में समझ में आ गया होगा कैसे। इसके बाद गोज टू गम को हमेशा मुस्कुरा के छुपाना, और उसमें ज़रा से कॉर्ड जो हैं लेफ्ट हैंड पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, आई मीन काफ़ी, आई मीन अगर आप बिगनर हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बट वो इस तरह होता है कि गम को हमेशा। अब आप देखिए यहाँ पे जो है ये तीन जो कॉर्ड से शुरू के, सी माइनर, जी शार्प और बी फ्लैट, इनके कॉम्बिनेशन बचता रहेगा। वो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने शुरू में बताया था ना आपको, ये वाला, बेसिकली लेफ्ट पे यही बज रहा होता है। अब आप चाहें तो आप इसको ब्रेक डाउन करके स्लो सिर्फ तीन एवरी फोर बीट्स पे एक कॉर्ड कर लें, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करें तो कुछ इस तरह होगा। पहले मैं नोट्स बता देता हूँ, ये इस तरह है, ठीक है, और कॉर्ड्स के साथ ये इस तरह होगा, बैक टू सी माइनर, राइट। इसके दो तरीके, आप चाहें तो बी फ्लैट पे भी छोड़ सकते हैं इसको, बट लेकिन अगेन बी फ्लैट पे छोड़ दें, सी माइनर पे पूरा कम बैक द होल सर्कल अराउंड। तो ये कीज हैं, फिर से एक बार देख लें, और इसके बीच में अगेन एक गिटार, इसके बीच में अगेन एक गिटार वो आती है, लीड गिटार बजता है इस तरह, सॉरी एक बार एक और बता देता हूँ मैं स्लोली, ठीक है। और इसके बाद बेसिकली बस यही है पूरा गाना, आई मीन मोस्ट पार्ट, फॉर मोस्ट पार्ट ये फिर से चला जाता है, दोबारा फर्स्ट सेक्शन पे चला जाता है, उड़ते हूँ कहीं जुगनू वहाँ पे आ जाता है, और sorry, go something like this. इसके बाद जो एक अलग पार्ट है इसका, जो डिफरेंट कॉर्ड्स पे है, वो है हारो भी तो हारो ना, ये पैगाम है जीत का। अच्छा, उनके लिए आपको कॉर्ड जो हैं वो जी माइनर करना होगा, और उसके नोट्स देख लीजिए, जी माइनर, अगेन जी माइनर जो था वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये था, डी सही, और डी शार्प और सी माइनर, तो अपनी जगह, ओके, सो जी माइनर पे आ जाएं, सॉरी यही कर लेते हैं,
Okay, G minor. G minor pe. D sharp. G minor. D sharp or different tarike se. C minor. Back to G minor. G minor. Or D sharp. C minor. Back to G minor. और इसके बाद आपको दोबारा अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन में आने के लिए इसको आप एक बार ये करेंगे जी शार्प बी फ्लैट सी माइनर ये आपको एक ब्रिज सा बनाएगा और आपको दोबारा अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन पे ले आएगा ठीक है जैसे ये ख़त्म होगा आप करेंगे जी शार्प बी फ्लैट और सी माइनर और इसके बाद आप बेसिकली वही कॉर्ड प्रोग्रेशन कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग which is ठीक है जी आई थिंक दैट प्रीटी मच कवर्स द सॉन्ग अब एक मैं एडिशनल नोट्स वगैरह बता दूंगा जिसमें मैं टेम्पो और ये साउंड जो मैंने यूज़ किए वो बता दूंगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैंने क्या किया आई मीन यू कैन डू वट एवर सूट्स यू ऑफ कोर्स वट एवर वर्क्स फॉर यू सो दैट कवर्स दिस सेक्शन लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन ओके एडिशनल नोट्स में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो मैंने इसका टेम्पो है वो 120 बीट्स पर मिनट है आई थिंक आई मीन दैट्स प्रॉब्ली दैट आई एम प्रीटी श्योर इट्स अ करेक्ट टेम्पो आप देख लीजिए वट एवर वर्क्स फॉर यू बट आई थिंक 120 इज़ द राइट टेम्पो फॉर दिस सॉन्ग दूसरा ये है कि जो बीट मैंने यूज़ किया है वो तो ऑब्वियसली डांस फ्लोर बीट है यू नो सो आप जो भी अगर आपके कीबोर्ड में कोई डांस की म्यूज़िक ऐसी बीट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और मोर ट्रेडिशनल रॉक एंड रोल टाइप विद गिटार मैंने थोड़ी सी डिफरेंट किया एक्चुअल जो है वो स्टूडियो सॉर्ट ऑफ किट ये ज़रा डांस किट है ड्रम्स की स्टूडियो की जो होती है जो नेचुरल होती है आप वो करें तो ज़्यादा अच्छा नेचुरल आएगा और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने इसमें जो है पीछे से इसका बड़ा रिकग्नाइजेबल सा एक पैटर्न है जो पीछे चलता रहता है ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड किया हुआ सिंथेसाइजर से समथिंग है लेकिन उसके बदले मैंने जो है यूज़ किया ना वो फिल करने के लिए कुछ ये पैटर्न यूज़ किया है इसका सो अगर मैं इस पैटर्न को ये इसका और एक मैंने इसमें मल्टी पैड में एक गिटार डाला हुआ है तो अगर मैं इन दोनों को जब मैं यहाँ पे डालता हूँ इस तरीके से सो सो ये पूरा फिल हो जाता है थोड़ा सा और वैसे ही इफेक्ट आता है ऑलमोस्ट करीब करीब आई मीन विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम विदाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट आई मीन आई थिंक इट कम्स वेरी क्लोज आपकी मर्ज़ी आप जितना इसको डिटेल करना चाहो इसके अलावा एक जो लास्ट टिप मैं देना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इसको लाइव प्ले कर रहे हो जिस तरह मैंने प्ले किया है तो इट हेल्प्स क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह आते हैं जहाँ पर ब्रिज करना पड़ता है म्यूज़िक बिकॉज यू हैव सो मेनी पीसेज टू चेंज इन एवरीथिंग तो आप उस जगहों को फिल करने के लिए अगर आपके कीबोर्ड मल्टी पैड कोई चीज़ है टाइप की जहाँ पे आप साउंड इफेक्ट्स रख सकते हो तो वहाँ पे मैंने वूशस ऐसी साउंड जो है ना वो रखी हुई है जो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रिज करने के लिए फॉर एग्जांपल दिस या फिर दिस साउंड
तो जब आप मेरी इसका कवर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं कई जगह पे ब्रिज करने के लिए ये करता हूँ, बिकॉज यू नो यू व्हेन यू आर चेंजिंग साउंड्स एंड यू आर चेंजिंग बीट्स एंड चेंजिंग कॉर्ड्स ब्रेकिंग द बीट एंड एवरीथिंग यू नीड समथिंग टू सपोर्ट एंड गिव यू दैट वन एक्स्ट्रा सेकेंड सो दैट आप पिक कर लो उसको. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड इट रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ सेटअप, बट वंस यू डू दैट यू नो यू कैन सेट इट अप इन योर सेटिंग्स एंड देन आप अच्छा बजा सकते हैं और इसको इन्जॉय कर सकते हैं. So I think that's pretty much it. I hope कि आपको ये tutorial पसंद आया होगा और helpful लगा होगा. Please let me know how you liked it. And I will see you next time. Until then, bye.